राजधानी के चौमू कस्बे में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाली हिंदू नववर्ष समिति की भगवा वाहन रैली भले ही स्थगित हो गई हो, लेकिन विवाद अभी भी थमा नहीं है। पुलिस ने रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का जवान तैनात कर दिया है। कमिश्नरेट के 10 पुलिस थानों के जवानों के अलावा एसटीएफ की 2 कंपनियां सहित पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। वहीं डीसीपी विकास शर्मा, एसीपी फूलचंद मीणा, थानाधिकारी हेमराज गुर्जर शहर की निगरानी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर रैली के रूट का परिवर्तन होने के बाद शहर के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। विधायक रामलाल शर्मा ने एसडीएम कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक धरना देकर रामधुनि कर रहे हैं और जिसके बाद एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि विधायक रामलाल शर्मा एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, इसके बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। भगवा रैली स्थगित हो गई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अब अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस छावनी में पूरी तरह से चौमू कस्बा तब्दील हो गया है। विधायक रामलाल शर्मा एसडीएम को इसके बाद ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता मनोज फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी मनोज बताएं। जी अमीना, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला चौमू कस्बे का है, जहां पर आज हिंदू नववर्ष समिति के तत्वाधान में भगवा रैली का आयोजन किया जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तो अनुमति दे दी। इसके बावजूद समिति के जो लोग थे उन्होंने निर्णय करके रैली को स्थगित कर दिया। फिलहाल विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो ये धरना प्रदर्शन रुकवाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और रामधुनि संगीत कार्यक्रम चल रहा है। फिलहाल प्रशासन के जो रवैया था उसके खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सांकेतिक धरने पे बैठे हैं फिलहाल, और शहर में शांति और सुरक्षा के लिहाज के लिए पुलिस की माकूल व्यवस्था रखी गई है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जी लवीना। जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।